वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी सिंह। हाँ, मुझे पता है मैं काफी दिन के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बर्थडे से वीडियो वापस से बनाना स्टार्ट किया जाए, ब्लॉगिंग आपसे मिलना स्टार्ट किया जाए। ये बर्थडे में मैंने थोड़ा सा अलग किया है, जैसे नॉर्मली केक काटना ये सब वो तो था, नॉर्मल हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बर्थडे में थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आज पूरे दिन का डे स्पेंड किया मेरे बर्थडे का, रात के 12 से लेके दूसरे दिन तक, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको भी समझे, आपको भी मजा आए देखने में भी और मेरी बातें सुनने में भी। स्टार्टिंग तो रात से ही हो गई थी बर्थडे सेलिब्रेशन की। दिव्या मम्मी डैडी ने हम लोगों ने केक काटा था घर पे, केक काटा पे प्लस दिव्या भी केक लेके आई थी अलग से, तो वो भी काटा जैसे अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। और इवान उसमें मस्ती कर रहा था वो केक को छीनने के लिए, तो वो पहले आप देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, मैं ऐसे ही आगे वापस। देखा आपने इवान की मस्ती, तो ये था हम लोग का 12 बजे वाला सेलिब्रेशन, छोटा सा सेलिब्रेशन। उसके बाद हम लोग सुबह में उठा, उसके फिर मैंने स्कूल गया। जैसे स्कूल में आपने देखा रहेगा छोटे, हम लोग सब लोग ने किया है कि स्कूल में चॉकलेट का पूरे पैकेट्स लेते थे हम लोग और पूरे स्कूल में क्लासरूम में बांटते थे, तो वही मैंने सोचा क्यों ना वापस वैसा किया जाए, स्कूल वाली फीलिंग थोड़ी दी जाए। तो मैंने स्कूल के बच्चों को चॉकलेट्स डी मार्ट्स में आते इतने बड़े बड़े उसके रैपर्स, तो वही चॉकलेट्स के पैकेट्स मैंने पूरे स्कूल में स्कूल के बच्चों को बांटे, उनको भी खुशी हुई और मेरे को भी, बांटते समय मेरे स्कूल के दिन याद आ गए थे। तो वो देखिए कितना मजा आया वो चॉकलेट्स बांटने में। We'll be right back.
देखा आपने कितना मजा आया हम लोग को, बच्चे उसके बच्चे के मतलब स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन अच्छा लगता है कि चॉकलेट से। तो पहले हम लोग भी बच्चे थे तो कोई आता था स्कूल में कुछ स्पेशल मिलता था तो अच्छा लगता था, तो वही सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना ये किया जाए, बच्चों को भी खुशी मिलेगी और अपने बर्थडे पे भी थोड़ा सा अलग फील आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर मैंने स्कूल से निकल के गया ऑफिस में, ऑफिस वाले लोगों ने भी थोड़ा सा सरप्राइज रखा था, डेकोरेशंस किए थे ऑफिस में पूरे सजा के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, केक काटे फिर, और प्लस पार्क भी लेके आया, जैसे आपने देखा था पार्क भी स्कूल में आया था एक अलग से केक लेके, वो भी एक सरप्राइज था मेरे लिए छोटा सा, अच्छा लगा वो भी। तो वो पार्क का भी केक काटा हम लोग ने, और प्लस ऑफिस में सब सब लोग ने मिल के जो केक लाया था वो भी काटा, फिर डैड भी थे, सागर भी था, तो हम लोग ने वहाँ पे भी थोड़ी सी मस्तियाँ की। तो वो आप देखिए के बॉक्स आप बोल सकते हैं, तो मैं वो बॉक्स लेके फिर वापस निकल गया। जो आपको आपने नॉर्मली देखा जाएगा, अभी मेरे को पता नहीं उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता खासकर ऐसा कोई, आप बाइक से अगर जा रहे हो या बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो या रिक्शे से जा रहे हो, आपको देखने मिलते छोटे बच्चे जो रहते हैं या कोई लेडीज रहती है बच्चा डांस मतलब दिए हुए ये सब, तो मैं सोचा क्यों ना उनको भी कुछ अपने बर्थडे में स्नैक्स का बॉक्स बॉक्स दूंगा। तो फिर मैं वहाँ चले गया जहाँ हम लोग रहते हैं, तो वहाँ जाके फिर मैंने पूरे मतलब बांटा थोड़ा जितने भी पूछ, सबको तो नहीं आ पाया क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे जन थे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने सारे जन, मैं सोचा कि थोड़ा सा बांट दूँ, तो जितना मेरे से हो सका मैंने वहाँ पर जाके उन लोग में शेयर किया और उन लोग को भी अच्छा लगा। तो ये छोटा सा क्लिप है, आप वो भी देख लीजिए, मेरे को अच्छा लगा, मुझे सोचा मैं क्यों ना आपसे शेयर करूँ। अच्छा लग रहा था बांटते टाइम, मेरे को भी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सब करना चाहिए तो मैं करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आपको भी ये सब चीज़ें शेयर की जाए, तो क्या पता आपको भी आइडिया है। फिर हम लोग वहाँ से फिर आया, शाम का समय हो गया, तो फिर मैं निकला, दिव्या ने एक छोटा सा मेरे लिए सरप्राइज किया था, दिव्या उन लोग दिव्या के फ्रेंड्स थे, मैं सागर इवान दिव्या और दिव्या के फ्रेंड्स से आपको दिखेंगे वीडियो में, तो उन लोग ने छोटा सा मेरे लिए सरप्राइज़ किया था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप वो देखिए, वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट बुक किया था, उसका व्यू एक अलग से थीम उसका, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप वो देखिए आपको भी अच्छा लगे। Thank you.
इतना मजा आया उसमें, पूरे दिन का आज मैंने जो स्पेंड किया, सरप्राइज शाम का आपको व्यू कितना अच्छा लग रहा था वहां से। तो आज के दिन मैंने बहुत सारे केक काटे स्कूल में, 12 बजे से लेके 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे काटे। तो लेकिन अच्छा लगा, बर्थडे में कुछ अलग किया मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्यों ना हर साल थोड़ा सा अलग 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 करते जाओ, नहीं तो नॉर्मल ही बहुत बोर होता है कि केक काटना ये वो। तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ, और अभी वीडियोस में वापस डालना चालू करूँगा, इससे मैंने शुरुआत की है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, अपने थॉट्स बताइए ब्लॉग में। इवान कैसा लगा आपको, बाकी इवान के साथ मिलके कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी सी।